क्या हाल चाल है दोस्तों, ठीक ठाक हैं। मैं हूँ साकिब काजमी और आप देख रहे हैं साकिब काजमी व्लॉग। तो मेरे साथ रहिएगा। आज का व्लॉग जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और देखिए इस व्लॉग में होता क्या है। जी तो दोस्तों, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज इफ्तारी पे इनवाइट हूँ फ़ख्र की तरफ। फ़ख्र मेरा छोटा भाई, तो लेट काफ़ी हो गया हूँ क्योंकि अभी 10-15 मिनट रोज़ा खुलने में रह गए और मुझे 10-15-20 मिनट से ज़्यादा लग जाएंगे वहाँ पे पहुँचते हुए, क्योंकि अभी उनके लिए कुछ ख़रीदना भी है। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और आज का जो व्लॉग है उसमें मैं कोई कट वद नहीं करूँगा और जिस तरह का बनेगा, जैसा बनेगा, मैं वैसे ही अपलोड करूँगा आपके साथ। ठीक है, तो चलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, क्या सोच रहा था क्या ख़रीदूँ, तो फिर मेरे जहन में आया कि रमज़ान है, रमज़ान में मीठा ही होना चाहिए, कुछ मिठाई वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ लेके चलते हैं। तो चले मेरे साथ, देख के मैं वो कहाँ से खरीदता हूँ तो आपको भी दिखाता हूँ। जल्दी थी और पार्किंग नहीं मिली थी इसलिए जल्दी भी थी, तो मैंने गाड़ी पार्क की नहीं है और डबल पार्किंग की है, और डबल पार्किंग करके तो दौड़ लगाई है। दौड़ लगा के जाके मिठाई लेके आया हूँ। मिठाई भी जो मुझे चाहिए थी वो तो मिली नहीं है, तो फिर मैं अपनी पसंद की ले आया हूँ। जो उन्होंने बोला था वो नहीं मिली मिठाई में, मैंने ले ली है। तो अब चलते हैं भाई की तरफ, तो चल के इफ्तारी करते हैं। अभी 10-15 मिनट है, अब मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। तो इफ्तार करते हैं, तो उसके बाद फिर काम शुरू करते हैं और बाकी फिर काम पे चल के बातें करेंगे आपके साथ। बाकी अभी चल के उधर भी थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं उनके साथ, उन्होंने इफ्तार में क्या इहतमाम किया हुआ है। तो वो चलते हैं, चल के फिर आपको दिखाते हैं। पहुंचने वाले हैं, पहुँच के फिर आपको मैं वहाँ पे दिखाता हूँ कैसे अफ्तारी करनी है। भाई की कॉल भी आ गई है, मुझे ऐसे ही डर था कि उसने कहना कि किधर आ गया। तो भाई की कॉल आ गई है, तो मैंने उसको बोला सिर्फ 5-10 मिनट में पहुँचता हूँ आपके पास। कहते चले ठीक है, हम आपका वेट कर रहे हैं। ये है जी फ़ख्र भाई, तो जिनकी तरफ मेरी अफ्तारी है। तो अभी गाड़ी की पार्किंग नहीं मिली तो मैंने अपने इनके दरवाजे के सामने गलत गाड़ी है पार्क कर दी है। ये जी मेरे छोटा भाई है फ़ख्र। ये फ़ख्र साहब खाना बना रहे हैं, खाना बना के ख़त्म कर लिया और खा रहे हैं। जी तो दोस्तों, अभी ख़त्म की है अफ्तारी, तो अब चले हैं काम पे। तो काम पे चल के आपको काम की सिचुएशन भी बताते हैं कि आज काम कैसा है। अभी तो गाड़ी बड़ी गंदी हुई है बाहर से भी और अंदर से भी, तो मेरा दिल है पहले को गाड़ी को क्लीन करते हैं तो फिर काम शुरू करते हैं। तो चले पहले गाड़ी साफ करते हैं। लो जी व्यूज, मैं आ गया हूँ वापस। गाड़ी भी साफ हो गई है, गाड़ी वॉश भी हो गई है, गाड़ी के अंदर सफाई भी कर दी है मैंने, मशीन भी मार दी है और मैंने काम शुरू कर लिया है। क्योंकि काम की कुछ सिचुएशन ऐसी है कि काम आज बहुत ही क्वाइट है, स्लो है। संडे का दिन है और वैसे भी लॉकडाउन है, तो हालात काम के ना माड़े ही हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बारिश लगी हुई है, मौसम जो है ना बड़ा देखे। अब मैंने जैकेट पहन लिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैकेट उतारी हुई थी, तो अब बाहर निकला हूँ तो जैकेट पहन ली है क्योंकि सर्दी है।
बारिश हो रही है, देखे आपको शायद नजर आ रही होगी मेरे शीशों पे से, गाड़ी के शीशे पे बारिश के कतरे ये वाले। तो देखते हैं आप मेरे साथ रहिएगा कि काम की क्या सिचुएशन है, नहीं तो फिर जल्दी बंद करेंगे और घर चल के सोएंगे आराम से। तो कल का दिन है, फिर कल देख लेंगे क्या होता है। जी हाँ, तो ये देख लें बाहर भी बहुत ही स्लो है, कोई बंदे बाहर नहीं है, कोई लोग नज़र नहीं आ रहे, वरना इस टाइम कुछ ना कुछ लोग नज़र आते हैं। ऊबर का सिस्टम वो भी सोया पड़ा हुआ है, कह तो रहा है आप ऑनलाइन है लेकिन लगता है ऐसे जैसे ऑफलाइन है, क्योंकि जब आवाज़ नहीं देगी ऊबर की बेल की तो फिर क्या करना है। बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। वो कहते हैं ना कि ड्यूटी इज ड्यूटी, हमने देनी है ड्यूटी, आगे कर्म करना है अल्लाह ने, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कर्म करेंगे, ठीक हो जाएगा। तो जी व्यूज, पहली राइड जो है वो आ गई है, आज की पहली राइड ऊबर की आ गई है। तो मैं जा रहा हूँ ऊबर की राइड लेने, तो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अगर कस्टमर का मूड अच्छा हुआ या फिर कोई बातें करने वाला कस्टमर हुआ तो फिर उसके साथ वीडियो बनाएंगे, अगर कोई मूडी शूडी हुआ तो फिर हम भी उससे ज़्यादा मूडी हैं तो फिर उसको आराम से बैठने देंगे पीछे। तो लेट्स सी क्या होता है। मैं जा रहा हूँ ऊबर की लोकेशन की तरफ, जो लोकेशन मुझे भेजी गई है उस तरफ मैं जा रहा हूँ। तो पिकअप करके तो फिर मैं देखता हूँ जो भी सिचुएशन है वो आपसे आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूं, लेकिन ये टाइमिंग आप देख रहे हैं चल रही है, लेकिन ऊबर आया, कस्टमर आया ऊबर का, तो वो कह रहा है जी मैंने कैंसिल करनी है राइड, क्योंकि उसकी ना घर की जो चाबियां हैं वो नहीं मिल रही, तो वो बड़ा परेशान है, टेंशन में है। तो मैंने कहा जी ठीक है आप कैंसिल कर दें, ये देखें उसने कैंसिल भी कर दिया है। तो ये सीन हुआ है और ये सिचुएशन हुई है इस फर्स्ट ऊबर की राइड के साथ। चले नेक्स्ट ऊबर की राइड का वेट करते हैं, क्योंकि मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं। तो आज के काम की कुछ सिचुएशन ऐसी है कि आज काम बहुत ही स्लो था, बहुत कम राइड्स थी आज। तो मैंने सोचा अभी रोज़ा रखने का टाइम हो गया, सहरी का टाइम है, तो काम को करते हैं वाइंड अप, चलते हैं घर, चल के सहरी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबा दें। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।